इंग्लिश इन 12 स्टेप्स बनवासी चैलेंज, ये एक नई श्रृंखला मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। इस महीने आप आसानी से बेसिक कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश के बारे में जो भी आप नहीं जानते हैं वो सब आप जान लीजिए मेरे साथ। इंग्लिश इन 12 स्टेप्स, क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। और हम दोनों मिलके ये एक्सरसाइजेस 12 स्टेप्स 12 रूल्स बताऊंगा मैं, उससे मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश सिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। तो आइए आज पहला स्टेप शुरू करते हैं। आप इंग्लिश यूसेज से सीखिए, आप ग्रामर से अपनी मातृभाषा भी नहीं सीखे, करेक्ट? सो इसीलिए आप इंग्लिश मेरे साथ यूसेज रूल्स से सीखिए, ग्रामर से नहीं। मगर ग्रामर हम यूसेज रूल्स में आपको बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो मेरा 12 स्टेप्स है ना, 12 स्टेप्स या 12 रूल्स भी कही है इसको, इन 12 स्टेप्स से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से इंग्लिश बात करना शुरू कर देंगे और बड़े बड़े सेंटेंस भी आप इन्हीं 12 स्टेप से सीख सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दो महीने थोड़े बहुत वीडियो 5-10 मिनट के वीडियो देखिए और इन 12 स्टेप्स से आप बिल्कुल इंग्लिश बोल सकेंगे और जो भी आपके मन में इंग्लिश की प्रति दुविधा है ना, उसे आप मिटा देंगे। बेसिक इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन का जो नियम आपको अब तक तकलीफ दे रहा था, उसे हम दूर कर देंगे और जो भी आपके मन में दुविधा तकलीफ है ना, उसे मिटा के अच्छी तरह से बात करने का और लिखने का ढंग में आपको मैं एक्सपर्ट कर दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है। तो चलिए, 12 रूल्स में से पहला रूल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मगर उससे पहले एक छोटी सी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ और वो है ये रूल। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज जो है, आज आप इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखना शुरू कर देंगे तो 50 इयर्स, 80 इयर्स, 30 इयर्स आगे आप जाके आसानी से बेसिक कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश रूल्स और स्ट्रक्चर जानते हुए आप बात कर सकते हैं और सब लोग आपको बधाई देंगे। तो 20 साल मैं सफ़र किया, 30 साल, 40 साल मैं इंग्लिश नहीं जान पाया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मगर आज, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो अपनी सारी जिंदगी आप ठीक तरह से इंग्लिश बोलना चाहेंगे आप, तो आज शुरू कीजिए मेरे साथ सिर्फ 12 रूल्स। तो बनवासी चैलेंज देखेंगे, पहला रूल मैं शुरू करता हूँ। पहला नियम ये है, रूल नंबर 1, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, नहीं तो आप इस बोर्ड में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, 20 वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है, उसे नोट कीजिए या फोटो ले लीजिए। देखिए, आप मुझे बोलते हैं, आप मेरे पास आके बोलते हैं कि सर मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ, बहुत कठिनाई महसूस हो रहा है, मगर मैं आपको बोलूँगा, हमेशा बोलूँगा कि आप इंग्लिश जानते हैं, आप बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आप समझ सकते हैं, जब और लोग आपके सामने आके बात करें तो आप समझ सकते हैं और आप शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। रीडिंग राइटिंग तो आप जानते ही हैं थोड़ा बहुत, और आप मदर टंग में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है आप इंग्लिश 80% जानते हैं, मगर आप बात ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं और वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप मदर टंग में बोलेंगे तो सबको अपने बोलने के ढंग से कन्विंस करेंगे। आप क्या बोलेंगे उसका महत्व है, मगर उससे ज़्यादा आप किस तरीके से बोलेंगे उससे आप सबको कन्विंस करेंगे। इसी तरह आपको ये जानना चाहिए कि इंग्लिश आप जानते हैं 80%, मगर आपको सिर्फ 20 वर्ड्स में तकलीफ़ है। वो 20 वर्ड्स क्या है?
इस एम आर वॉज वेर विल शैल हैव हैज हैड डू डज डिड मे मस्ट माइट वुड कुड शुड कैन। अगर आप ये 20 वर्ड्स ठीक तरह से सीख जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% इंग्लिश बेहतरीन तरीके से बात कर पाएंगे। और एक बात है, आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बताने का ज़रूरत मुझे नहीं है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन से शुरू करेंगे तो काफ़ी है। और आम जानते हैं आप मगर पूरा जानते नहीं हैं, इस जानते हैं मगर पूरा उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो पूरा आप जानते नहीं हैं, मुझे आपको दिखाना है। मैं अगर आपको इतना दिखा दूं कि आपको आम का परिभाषा जो है परफेक्टली चार कोने से, चार डिफरेंट डायरेक्शन से अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो आप सीख जाएंगे। मोर देन सीखना, आप सीख चुके हैं मगर आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये याद रखिए, ये पहला नियम है कि आपको इस एम आर वॉज वेर विल शैल हैव हैज हैड डू डज डिड मे मस्ट माइट वुड कुड शुड कैन, ये 20 वर्ड्स आपको परफेक्ट करना है। अगर आप ये एक नियम, पहला नियम सीख जाएंगे और जानकर इसका महत्व जानकर, अगर आप आज से ये 20 वर्ड्स, मेरा इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी तरीके से ये 20 वर्ड्स को समझिए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। मगर ये 20 वर्ड्स में ज़्यादातर वर्ड्स जो आपको चाहिए वो सब मैं ये 12 रूल्स में दिखा दूंगा। ये जो 20 वर्ड्स है ये आप जानते हैं, आप देखेंगे और बोलेंगे अरे सर मैं इसको जानता हूँ, मुझे शैल पता है, एम पता है, वॉस पता है। आपको पता है मगर पूरा पता नहीं है। इसका मतलब है कि आप एम का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना जानते हैं मगर आप एम का जो भी इस्तेमाल करने का ढंग है वो सब आप जानते नहीं है या आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं। तो उस कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करूँगा। और एक बात है, पहला रूल ये है, आप सीख के आइए, उतना बड़ा रूल नहीं है ये, आप जान जाइए कि आप इंग्लिश में माहिर इसीलिए नहीं हैं क्योंकि आप ये 20 वर्ड्स जो है उसमें पक्का नहीं है, मगर इन 20 वर्ड्स को मैं आसान तरीके से आपको आराम से सिखाऊंगा। इस 12 रूल्स के अंदर आपको ज़्यादातर ये जो वर्ड्स है उसको मैं सिखाऊंगा। तो दूसरी बात यह है कि आप मेरी ये सीरीज़ है ना, इसको ध्यान से देखिए, एक बार नहीं चार बार देखिए, क्योंकि एक बार आप देखेंगे तो आपको 60% समझ में आ जाएगा और रिटेन हो जाएगा आपके अंदर, मगर आप इसे चार बार देखेंगे तो आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, आप इन वीडियोस के सहारे पक्का हो जाइए इंग्लिश में। और एक बात है कि आप मेरे जो ये बुक है ना, इसको आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर यही है, और आप मुझे फ़ोन करके इस बुक के साथ साथ मेरे पास एक मातृभाषा से इंग्लिश सीखने का तरीका है, उस तरीके को मैंने 28 वीडियोस में यहाँ पे डाला है, वो कन्नड़ा से है, आप समझ सकेंगे, तो इसको ख़रीद लीजिएगा। बहुत ही जल्द हिंदी में भी ये आ रहा है, तो आपको ये करना है कि आप ये बुक खरीद के रेडी हो जाइए, क्योंकि इस बुक में पेज नंबर 91 में पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन का सीक्रेट्स है। और प्रोफेशनल वर्ब लिस्ट में आप जो वर्ब्स रोज़ाना ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैं बहुत कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे, तो आप इस बुक को ख़रीदने के लिए मुझे फ़ोन कीजिए। तो आज का जो होमवर्क है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये होमवर्क ये है कि आपको सिर्फ इतना करना है कि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, और पुराने वाला आज का कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए, और ये जो 20 वर्ड्स है ना उसको सर्कल कीजिए, मैंने जो बोला उसी तरीके से करना है, तो आपको सर्कल करना है, अंडरलाइन नहीं, टिक नहीं, आपको सर्कल करना है, और आप पढ़िए एक बार, आप सर्कल करेंगे ना, सर्कल करके वो आप एक बार पढ़िए, तो आपको इंटरनली आप विदाउट रेफरेंस, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो वर्ड क्या है। आपके दिमाग जो है वो, जब आप छोटे बच्चे थे ना तो
बिना एक्सप्लेनेशन, बिना रेफरेंस, बिना कॉन्टेक्स्ट वो समझ गया था कि ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस कीजिए, आधा घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए, उतना काफ़ी है। तो 10 न्यूज़पेपर, 10 शीट्स न्यूज़पेपर लेके सर्कल कीजिए, और उसको सर्कल करने के बाद आप चेक कीजिए कि आप कहाँ कहाँ उसे इस्तेमाल करते हैं। ये 20 वर्ड्स जो है ये आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का की है, तो इसे मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में और सेकेंड स्टेप के ओर बढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।